देश की दिग्गज रेलवे कंपनी IRCTC इंडियन रेलवे की है ये कंपनी और 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई है। मई 2008 को मैं इस कंपनी को मिनी रत्न सरकारी कंपनी का दर्जा मिला। टिकट की बुकिंग को लेकर, कैटरिंग को लेकर, पैकेज फूड और ड्रिंकिंग वाटर को लेकर ये कंपनी कामकाज करती है। 2019 में कंपनी का IPO आया, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, 112 गुना भरा, शानदार लिस्टिंग हुई और उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबरदस्त परफॉर्मेंस आती दिखी है। हमारे साथ कंपनी की CMD लुकिंग आफ्टर चार्ज जो है CMD का वो देख रही है, रजनी हसीजा जी, ये हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। और 2021 फरवरी यानी इसी साल फरवरी से आपने ये पदभार संभाला है। 2018 से IRCTC के बोर्ड पर हैं और 1989 के बैच में आपने IRTS सर्विसेज में शुरुआत की और रेलवे में 30 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री ली है और साथ ही PGDM HR लॉ की डिग्री भी आप हासिल कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात जिस वजह से आप IRCTC को जानते हैं, इनकी वेबसाइट और इंटरनेट टिकटिंग को, इस वेबसाइट को शुरुआत करने में और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा योगदान रंजीत जी का रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। शुरुआत आपके नतीजों के साथ करना चाहूंगा। तिमाही दर तिमाही नतीजे बहुत ही बेहतरीन है, साल दर साल कमजोर नजर आ रहे हैं। आप ही बताएं मैम किस तरह से देखने चाहिए आपके रिजल्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या साल दर साल देखें? दोनों को ही देखने की आवश्यकता है, बिकॉज अगर आप ईयरली रिजल्ट देखते हैं तो वो पूरा कोरोना का इम्पैक्ट है। अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में हमने बराबर मेहनत करी है। अगर आप हमारा पहला क्वार्टर लेंगे तो आई थिंक IRCTC के इतिहास में हमने पहली बार लॉस हमारा हुआ था, लगभग हमारा 24 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ था। उसके बाद अगले अगर आप क्वार्टर में देखते हैं, क्वार्टर दो में देखेंगे तो हमने फिर प्रॉफिट कमाया, 32 करोड़ पर हम आए। फिर तीसरे क्वार्टर में अगर आप आते हैं तो हम 78 करोड़ प्रॉफिट पर आए। फिर चौथे क्वार्टर में अगर आप आते हैं तो 103 करोड़ प्रॉफिट पर आए। आप ये जानिए, आई थिंक व्यूअर सब समझते भी हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग और इंडस्ट्रीज है ये सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हुई है और टूरिज्म को सबसे ज्यादा हिट हुआ है। तो अगर हम एनुअल रिजल्ट देखते हैं अनिल जी, तो हमारे एनुअल रिजल्ट में हमारी पिछले साल से जरूर कम है, बट हमने पूरी कोशिश की है कि हम जो है इन्वेस्टर की अपेक्षाओं पर पूरा उतर सकें और प्रॉफिट हम जनरेट कर सकें। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट जो है 189 करोड़ है, ये जरूर 62% पिछले साल से कम है, बट कई टूर ऑपरेटर कंपनियों की तुलना में और दूसरी कंपनियों में, हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में, यकीनन हमारे रिजल्ट्स काफी बेहतर हैं और हमने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हम पर बना। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर भी है कि जैसे ही वापस से जिंदगी सामान्य होती हुई दिखेगी, लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी, IRCTC की परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी। क्या इसके संकेत आने शुरू हैं? क्या वाकई में इस क्वार्टर में कारोबार में आप बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं? क्या टिकटिंग वापस से बढ़ती हुई दिख रही है? और एक बार जरा गाइडेंस दे पाए आप पूरे साल भर के लिए, किस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद कर रही हैं मैम? जी जी, अगर हम 19, 20 और 21 दोनों को कंपेयर करें तो टिकट, हमने जो टिकट इशू करी थी वो लगभग आधी थी, बिकॉज कोरोना का इम्पैक्ट था और काफी ट्रेनें जो थी वो कैंसिल थी और लॉकडाउन, कई स्टेट्स में लॉकडाउन था, कई स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन एक चीज का एक जबरदस्त चेंज आया है इंडस्ट्री में कि पहले हम जो टोटल इन्वेंट्री हमें टिकट की ऑफर होती थी उसका हम 72% बुक करते थे थ्रू ऑनलाइन। ये कोरोना के दौरान, इस दौरान हमारा ये जो संख्या है ये 72% से बढ़कर 80% के आसपास पहुंच गई है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और एक एडिशनल क्लास जो है सेकेंड डेस्क की भी रिजर्वेशन ऑफर हुई है तो उसमें भी एडिशन हुआ है। पिछले साल की तुलना में 19, 20 और 21 के में टिकटों का भी संख्या आधी है। जो हमने रेलवे के लिए रेवेन्यू कलेक्ट किया उसकी भी संख्या लगभग आधी है, 34,000 करोड़ से 17,000 करोड़ के आसपास व्यापार किया हमने रेलवे के लिए। बट हमारा जो हमने रेवेन्यू कमाया टिकटिंग से 20-21 में, वो 456 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू हमने कमाया, जो कि हमारे जितने भी सेगमेंट से हम रेवेन्यू कमा रहे हैं उन सब में सबसे अधिक था। तो और जो इस साल की इंडिकेशन है, शुरू में अप्रैल और मई सेकेंड वेव के कारण काफी हम हतोत्साहित हुए, लेकिन जून से हमने काफी अच्छा पिक करना शुरू किया है और जून में बुकिंग हमारे रिजर्व्ड सेगमेंट की काफी बड़ी है।
तो ये है आपके लिए पूरी तरह से अब ऑपरेशन बैक ऑन ट्रैक आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी टिकटिंग में तो आपके पैसा बन रहा है क्योंकि चूंकि ऑनलाइन है और इंटरनेट के तरीके से हो रहा है, लेकिन बाकी जो आपके सेगमेंट्स हैं, कैटरिंग हो गया, रेल नीर हो गया, टूरिज्म हो गया, वहां पर जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ी रेवेन्यू कम आ रहे होंगे। यहाँ पर सिचुएशन कब तक नॉर्मल होने की उम्मीद की जाए मैम? देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही है, उन सबके टेंडर किए जा रहे हैं, तो उन सबसे भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया। गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है, तो हमारी पेंट्री कार वाली गाड़ियों की भी संख्या बढ़ी है, और जहाँ पेंट्री कार नहीं होती वहां हम ट्रेन साइड वेंडिंग करते हैं, उनके भी हम लोग ठेके जो है अवार्ड करते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ी है। और जो हमारा रेल नीर का सेगमेंट है वो कैटरिंग के सेगमेंट का एक एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है, तो वो स्यूमोटो उसके साथ सेल होती है। तो सभी सेगमेंट ने क्वार्टर दर क्वार्टर तो इम्प्रूवमेंट जरूर आया है, और एनुअल रिजल्ट में भले पीछे रहे हो हम, लेकिन अब हमें अच्छे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हम हर क्वार्टर कि हम आगे सभी जो है बिजनेस सेगमेंट में हम बेटर करेंगे। आप टूरिज्म का ही देख लीजिए, टूरिज्म में डोमेस्टिक टूरिज्म इज टेकिंग ऑफ। छुट्टियों में किस तरीके से जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भीड़ हो रही है, वैसे ही हमारे जो लद्दाख के पैकेजेस हैं और ये सब पैकेजेस हैं, ये एक अच्छी मात्रा में बिकने लग गए हैं। और लैंड पैकेजेस भी हैं, क्योंकि रेल के अलावा हम लैंड पैकेजेस, एयर पैकेजेस भी करते हैं, ये सब भी बिकने लग गए हैं। हम डिलक्स ट्रेन भी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें अब लगता है कि धीरे हम जल्दी ही रफ्तार पकड़ लेंगे, ईश्वर ने साथ दिया तो। तो ये है आपके लिए इस वक्त। मैम आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा कि कितनी ट्रेन्स अभी आपके लिए ऑपरेशनल है, एक बार अगर ये अंदाजा दे पाएं कि कितनी ट्रेन्स ऑपरेशनल है और फुल कैपेसिटी पर आने की कितनी तैयारी है आपकी, क्योंकि अब तो धीमे धीमे लग रहा है कि कोरोना का कहर लगभग खत्म होने जा रहा है, कम तो हो ही गया है कम से कम। तो ये बताएं कि इस वक्त कितने परसेंटेज पे आप काम कर रहे हैं और पूरा होने पर कितना और वक्त लग सकता है? जहां तक हमारी टिकटिंग का सवाल है, टिकटिंग की जो हमारी बर्थ बुक हो रही है, सरप्राइजिंगली वो ना केवल पिछले साल से तो ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल तो कोरोना पीरियड था, वो 1920 के पीरियड से भी बर्थ ज्यादा है। सो आप कह सकते हैं कि हम लोग फुल अवेलेबल इन्वेंट्री को बुक कर पा रहे हैं, तो हम 100% स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं टिकट बुकिंग में। और बाकी जो हमारे बिजनेसेस हैं, टूरिज्म विल टेक सम टाइम टू टेक ऑफ, बिकॉज अब लोगों ने घर से निकलना शुरू किया है, यात्रा करना आरंभ किया है। जो केटरिंग और रेल नीर के सेगमेंट में भी हमें गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 1000 से ऊपर गाड़ियां जो है चल रही हैं, और इन गाड़ियों में जो है ना केवल बुकिंग का हम काम कर रहे हैं, बल्कि हम इसमें खान पान की व्यवस्था का भी काम कर रहे हैं। तो दर प्रतिदर दिन प्रतिदिन हमें वी आर मूविंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, हम जल्दी नॉर्मल हो रहे हैं। परफेक्ट मैम, जो लोग आपको जानते हैं और मैंने भी आपका इंटरव्यू पहले भी किया है, तो आप कुछ न कुछ नया करने के लिए जानी जाती है कि हमेशा कुछ नए बिजनेस आइडियाज के बारे में, या आपके जो बिजनेस है उसमें क्या अलग किया जाए, क्या और बढ़ाया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अब नए प्लान्स क्या है IRCTC के, क्या कुछ और नया करने की सोच रही हैं आप? देखिए सबसे पहले तो हमारा ये है कि बिजनेस को पहले ट्रैक पर लाया जाए, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है वो 62% का हुआ है। उसे हमारी पहले सबसे पहला प्रयास तो होगा कि ना केवल पिछला जो लॉस है वो कवर अप किया जाए, उसे ट्रैक पर लाया जाए और कुछ नया भी दिया जाए। तो नए में टिकटिंग में कुछ हम अपनी तेजस ट्रेन के साथ कुछ लॉयल्टी स्कीम लेके आने वाले हैं, जो स्टार्ट होने वाली है, तो उनके साथ एक नई लॉयल्टी स्कीम लेके आएंगे। और कुछ हम नए जो है इंटरनेट के वर्ल्ड में कुछ हम नए प्रयास करने जा रहे हैं। हमने एक पुश नोटिफिकेशन की सर्विसेज की है, स्टार्ट करी है, इससे काफी कस्टमर्स को फायदा मिलेगा। और अभी प्रयास जारी है, तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए भी रहने देते हैं और जनता के लिए भी। ठीक बात है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपके ये प्रयास सफल होंगे। ये साल IRCTC के लिए डेफिनेटली बहुत बेहतर रहेगा, आपके नेतृत्व में कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार फिर से ट्रैक पर आती हुई दिखेगी, जैसे जैसे ट्रेंड्स फिर से ट्रैक पर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी हमारे।